आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में, मैं आपके साथ सुरभि। डाबरी वार्ड की पार्षद रेखा चौहान के दफ्तर में सुकन्या समृद्धि कैंप भारतीय डाक द्वारा आयोजित किया गया है। इसके साथ ही विनय चौहान व रेखा चौहान के सहयोग से दिव्या प्रस्थ हॉस्पिटल ने मुफ्त जांच कैंप का आयोजन भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल ने डाबरी वार्ड 30S की निगम पार्षद रेखा चौहान के दफ्तर में मुफ्त जांच कैंप का आयोजन किया, जिसमें DPH हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की पूरी टीम पहुंची और सैकड़ों लोगों की मुफ्त में जांच की। जिला उपाध्यक्ष विनय चौहान व रेखा चौहान ने खुद भी स्वास्थ्य जांच कराई। पार्षद रेखा चौहान ने कहा कि वो क्षेत्रवासियों की सहूलियत को देखते हुए समय समय पर इस तरह के कैंप लगवाती हैं, ताकि लोगों को अस्पतालों की लंबी लाइनों में न लगना पड़े। ताकि आपको पता है कि यहाँ पे हम सब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं हमारे वार्ड में, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं समय समय पर यहाँ कैंप लगवाती रहती हूँ। ये दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल से हमारे पास डॉक्टर साहब RK शुक्ला जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, तो इनकी बहुत ही अच्छी सेवाएं हमें मिल रही हैं, क्योंकि इनकी जो टीम बैठी है पूरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। यहाँ पे BP, शुगर और मेरे ख्याल से ECG वगैरह और आई स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये सब चेकअप यहाँ पे हो रहा है जी। शुक्ला जी, इनके सहयोग से आज आपने यहाँ कैंप लगवाया है, क्या कहेंगे, कितना जो है फायदेमंद है यहाँ के लोगों के लिए, कितनी ज़रूरत थी और किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रेखा मैडम जी का और विनय जी का, जो समय समय पर हम लोगों की मदद करते रहते हैं और जो भी पेशेंट हैं उनको हमारे यहाँ भेजते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये सारा जैसा मैडम ने बताया कि मीडियम लोकेलिटी के लोग हैं, तो इनको अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाए और अच्छे डॉक्टर्स कम रेट में मिल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। कैंप में ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर व आंखों की जांच मुफ्त में की गई। किसी गंभीर बीमारी के लिए मरीज को हॉस्पिटल में रेफर किया गया। अभी तक जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, जिनको किसी को BP की दिक्कत रही है, कुछ शुगर के पेशेंट्स भी हैं, तो उनके जो है अभी थोरली जाँच कर रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं, अगर जिनके ज़्यादा शुगर वगैरह आ रहा है या ज़्यादा BP आ रहा है तो उनको मेडिसिन वगैरह दिए हैं। हॉस्पिटल में कुछ जाँचें जो ज़रूरी होती हैं उसके लिए उनको बोला है कि हॉस्पिटल में आएँ, हॉस्पिटल में अपनी जांच कराएं, उसके आधार पर भी फिर आगे फर्दर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी वो आगे जांच। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम यानी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए डाबरी वार्ड की पार्षद रेखा चौहान के दफ्तर में कैंप लगाया गया। भारतीय डाक द्वारा आयोजित इस कैंप के माध्यम से इस योजना से समाज के हर तबके को जोड़ने की कोशिश की गई। नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विनय चौहान ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। जिस घर में दो बच्चियां 10 साल से नीचे की हैं, उनका सुकन्या योजना के माध्यम से यहां पे अकाउंट हमारा उसमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोला जा रहा है, और जो माँ बाप अगर जो एक मान लीजिए 1,000 रुपये पर मंथ देते हैं और वो इनको 15 महीने तक पैसे देने हैं, 15 साल के बाद 21 साल के जब बच्ची होगी उस बच्ची की शादी में लगभग 5 लाख समथिंग पैसे उसको मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी योजना है उन गरीब लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो जब बड़े होते हैं तो उनको किसी के सामने आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने मजबूरियां ना हो, उस बच्ची की शादी में कोई परेशानी हो। ये ऐसा कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से और हमारे दफ्तर पर ये कार्यक्रम। पार्षद रेखा चौहान समय समय पर इस तरह के कैंप लगवाते हैं ताकि क्षेत्रवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।